हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ हिंदी व्याकरण पाठ दो वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। विचारों के आदान प्रदान के लिए मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी मुंह से जो हम ध्वनि बोलते हैं, जो भी आवाज़ निकलती है उसका लिखना, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे घर में चार ध्वनियाँ हैं, घ, आ, र और आ, तो ये बन गया घर, इसमें चार ध्वनियाँ। ऐसे ही सा, ए, ब, आ, से बन गया। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। इन ध्वनियों के खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अगर हम चाहें इन ध्वनियों को टुकड़े करें तो वो नहीं हो सकता। जब मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण बन जाती हैं। यानी जब मुँह से बोले हुए जो शब्द उन्हें लिखा जाता है तब वे वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा, मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ध्वनियाँ होती हैं और प्रत्येक ध्वनि के निश्चित वर्ण होते हैं। इन वर्णों के लिखने के लिए एक विशेष क्रम और व्यवस्था होती है। परिभाषा, वर्णों के विशेष क्रम और व्यवस्था को वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट हर भाषा का अलग अलग होता है। अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्णों के भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, स्वर यानी वोवल्स, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। स्वर, परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। आ, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वोवल्स। कुछ स्वरों का उच्चारण करने में समय कम लगता है तो कुछ में अधिक। उच्चारण करने में यानी बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। इनके भी थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन से? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं, यानी सबसे कम टाइम। अ, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर, लॉन्गर वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वरों से लगभग दुगुना टाइम लगता है, इनसे डबल टाइम लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, ऊ, ए, 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 ओ, आओ। प्लुत स्वर, लॉन्गेस्ट वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वरों से लगभग तीन गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः संबोधन या दूर से पुकारने के लिए स्वरों के प्लुत रूप को प्रयोग किया जाता है, इसलिए किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है। किसी को पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण किया जाता है उसे लिखते समय उसी के आगे थ्री लिख दिया जाता है, जिसका अर्थ है तीन गुना। जैसे हे राम, हे राम, ओम। स्वरों के मात्रा चिन्ह, साइन ऑफ वोवल्स। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा निश्चित है। इन स्वरों के साथ जब व्यंजन का मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर उन स्वरों की मात्रा ही लिखी जाती है। यहाँ पे देखिए मात्राएं किस रूप से हैं। अ स्वर के अतिरिक्त, हाँ यहाँ मात्रा देखिए, यहाँ पे स्वर है, आ की कोई मात्रा नहीं होती। और माँ जिसे बोलते हैं तो यहाँ पे छोटा माँ यानी ये है और इसके बाद आ, उन दो को जोड़ करके ये माँ बनाए तो शब्द जो बनेगा मटर। इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। आ की मात्रा देखिए और उसके बाद इसका यूज बे में आ की मात्रा लगा दी तो बा बन गया और शब्द हुआ बाजा। छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा आगे से लगाई जाती है किसी भी वर्ण के सामने और यहाँ पे सिर जो शब्द आ गया। ऐसे ई पीछे से मात्रा लगी, खी, खीर बन गया शब्द। ऊ की मात्रा इस रूप से होती है और यहाँ पे इसे हम नीचे यूज़ करेंगे और यहाँ पे सुराही। ऊ बड़े ऊ की मात्रा इस रूप से होती है और इस पे फ के नीचे से इससे कोई भी जो अक्षर उसके नीचे हम यूज़ करेंगे और उसके बाद जो बनेगा यहाँ शब्द फूल। री की मात्रा इस प्रकार से होती है, इसे त के नीचे लगा दो त्री बन गया और यहाँ तृण। ए छोटे की मात्रा इस रूप से होती है, सिंगल मात्रा ऊपर होती है और जैसे यहाँ पे मैं के ऊपर लगा दे तो मैं हो गया और यहाँ मेला। ए की मात्रा में डबल लगी मात्रा, जैसे थे के ऊपर डबल मात्रा लगाइए और यहाँ बन गया शब्द थैला। ऐसे ही ओ की मात्रा में सिंगल होता है ये मात्रा और यहाँ ता के ऊपर लगा दिए तो तोता बन गया। इस प्रकार से आओ की मात्रा में डबल मात्रा होती है, जिसे फे पे आओ की मात्रा लगाई यहाँ पे बना फौज जो शब्द है।
इसके बाद स्वरों के बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। दैट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो।